जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। 90 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, साचौर के पास लाचड़ी गांव का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से मिल रही है। जालौर से बड़ी खबर यह है कि बोरवेल में 4 साल का जो मासूम है वो गिर गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसके अंदर ये मासूम गिरा है, साचौर के पास लाचड़ी गांव का ये पूरा का पूरा मामला है। हमारे साथ में श्याम बिश्नोई जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जालौर से, उनका रुख करते हैं। श्याम, लगातार इस तरीके की घटनाएं आती है, लेकिन लापरवाही जो है वो भी लगातार देखने को मिलती है, जिसके चलते आज फिर से एक मासूम की जो जान है उस पर बनाई है। जी देखिए, जिस तरीके से बोरवेल में घटनाएं हैं पहले भी बहुत जगह से आई है, ऐसे में आज जो है सांचौर के पास लाचड़ी गांव में 4 साल का मासूम है वो 90 फीट गहरे जो है बोरवेल उसमें गिर गया है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की जिले में घटनाएं हो रही है, लेकिन उन पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये किसान का जो खेत था उसके अंदर ये 90 फीट गहरा बोरवेल खुदा हुआ था, और इस बोरवेल में जो बच्चा है खेलते वक्त गिर गया था। ऐसे में जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली उसके बाद में सभी प्रशासनिक अमला है वो वहां मौके पर पहुंच चुका है। पूरे प्रकरण को लेकर जिला कलेक्टर गंभीर है। ऐसे में बच्चे को निकालने के जो प्रयास है वो अब शुरू हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितनी देर बाद में इस बच्चे को निकाला जाता है।